इंडियन नेशनल लोक दल लगातार आपके ऊपर प्यार दिखा रही है कि हम कांग्रेस से समझौता करेंगे, कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। पहले वो कहते थे कि जेल करवाने में हुड्डा साहब का हाथ है, अब वो इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, अगर वो गठबंधन के लिए आते हैं तो आप तैयार है गठबंधन करने के लिए? नहीं, ये जो बात उनसे पूछो क्योंकि उनको एहसास हो गया है कांग्रेस आ रही है। वो कह रहे हैं कांग्रेस के साथ हमारा डीएनए मिलता है। ओम प्रकाश चौटाला पहली बार कांग्रेस से विधायक बने थे, उसके पिताजी भी कांग्रेस में थे, तो इसका मतलब कांग्रेस भी उनका उनका जो ओम प्रकाश जी ताऊ थे वो भी कांग्रेस में थे। तो साहब राम आप सर इनेलो से गठबंधन का समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? इतना बता दिए हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल और क्या सामने है नहीं बोला तू सवाल बोल रहे हैं आपने बोला कि जरूरत है तो हाइपोथेटिकल जो हाई हो चुका है 2019 में दिग्विजय ने कहा कि हुड्डा साहब या तो मान ले कि हमारी बातचीत हुई थी, हमने सत्य देखी थी और फोन पे बात हुई थी, फोन की रिकॉर्डिंग आई या रिकॉर्डिंग आई ऐसा है जो उस समय के चैनल सुन चला के देख लो कहां पे वो जो जो आप लोगों के चैनल दे रहे हैं जो कैमरे वाले बैठे हैं, मेरा भी सुन लो उनका भी सुन लो, ठीक है? पता तो आप अपने आप मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं, वो तो अंदरूनी बात बता रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हमने बात की थी हुड्डा साहब से, हुड्डा साहब से बात हुई थी हमारी, निशान सिंह भी थे, निशान सिंह भी थे और दिग्विजय भी थे, कहते मैं रिकॉर्डिंग जारी कर दूंगा फोन की। हाँ करो, रिकॉर्डिंग जारी करो। हाँ करो, क्यों नहीं करो? सर किशन चौटाला ने कहा देखिए मैं जिस आदमी के राजनीतिक में को वो नहीं है उसे हम बात करने जवाब नहीं देता। डॉक्टर साहब को कहें या जो की चीज है उसे कहें तो जवाब देता हूँ। जी सर वो कुछ और कह रहा है, क्या लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ? क्या हुआ? मैं दुष्यंत कह रहा है ना कि आगे कि मुझे पता नहीं कि ये लाइफ कंटिन्यू रहेगा 2024 में। जिनका काम जाने वही करनी चाहिए। पर हुड्डा साहब सरकार तो करेगी, डबल इंजन सरकार है हरियाणा में बड़ी तरक्की कर रहे हैं। जब भी लोग कर्जा बढ़ रहा था, जब भी लोग कर्जा भी उठ गया, डबल इंजन कर्जा लेने के लिए। तो मुख्यमंत्री को लगातार ये कहते हैं कि बिना कर्जे की कोई सरकार चल ही नहीं सकती, काम करने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। हमने विदिन लिमिट्स कर्जा ले रखा है। वो कर्जा लिमिट छोड़ो, कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्जा क्या कहा किया क्या? तुम सारे हरियाणा में घूमता कैमरा लेके कोई एक चीज बता दे, कोई एक चीज देखते हो बता दे। नहीं तो आप क्या मानते हो? आप भी कोई बता दो कहां गया कर्जा? मैं तो बता दूंगा, हमने कर्जा लिया, हमने क्या पावर कार्ड लगाए। नहीं, इनका क्या लगता है? आप क्या मानते हो कि कहां गया कर्जा इनका जो लिया इतना कर्जा? चार भाई कोई भी परिवार हो है, कोई आमदनी का जरिया नहीं बढ़ाएगा, कर्जा लिए जाएगा नहीं होगा। हुड्डा साहब अगर आपकी सरकार आती है तो इसकी इंक्वायरी होगी किसी भी पैसा जो पैसा गया। ये बात में सरकार आने के बाद होता हुआ डबल इंजन के, डबल इंजन में तेल खर्च ज्यादा होता है, डबल इंजन में तेल खर्च ज्यादा होता है, कर्जा भी तो कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है हुड्डा साहब, हुड्डा साहब बोले सर गठबंधन नीतियों का आधारित नहीं, ये नीतियों का आधारित नहीं है गठबंधन, बीजेपी हाँ सिर्फ स्वार्थ पे है। वो तो कह रहे प्रदेश की जरूरत, बुड्ढा साहब स्वार्थ पे है। ये जो आपने कर्ज वाली बात चैनल पे कही थी ना, आपके बाद चीफ मिनिस्टर आए थे उस पे, उसी चैनल पे जिस चैनल पे आप बोल रहे थे कर्ज के बारे में कि 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, उसी चैनल पे चीफ मिनिस्टर आए थे आपके बाद, उन्होंने कहा हुड्डा साहब ये तो कह रहे हैं 17,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो जो बीजेपी बैंकों का कर्जा था उसको क्यों नहीं जोड़ते 35,000 1 लाख? ये क्यों जोड़ रहे जो बिजली कंपनी पहली बात करते हुड्डा साहब मान ले ये बात के हमारे टाइम में बीजों का 35,000 करोड़ और सरकार में 17,000 करोड़ का था, ये मान ले। मैं ये बात मानूंगा क्योंकि गारंटर है वो, तो हम तो गारंटी के दे रहे हैं, ये हम तो 4 लाख करोड़ बता रहे हैं उसी आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट ने गारंटी ले रखी है, ठीक है ना, और जो स्टेट ने अदायगी करनी है। अब अकेले 46,000 करोड़ कितना है अकेला बिजली कंपनियों को देना है, इतने बिल
हरियाणा गवर्नमेंट ने जो अलग अलग करवा, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर डिपार्टमेंट कह रहा है।